तो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी एकदम मस्त हूँ और खटीमा को लड़के और लड़की हूँ। तो कैसे हो आप सब, तो आप भी सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आज घर जा रहा हूँ, 5 बजे की ड्यूटी करके, कंप्लीट ड्यूटी करके मैं घर चला जाऊंगा। और कल छुट्टी रह रहा हूँ, 2 दिन, 2 दिन मेरी छुट्टी रहेगी गाइस। तो मेरी मैडम है वो सुबह ट्रेन से चली गई है, जो 7:15 की ट्रेन निकलती है इज्जतनगर से, उस ट्रेन से चली गई है। अब मैं भी ड्यूटी करके आज घर चला जाऊंगा। तो मैंने पूरा तैयार हो चुका हूँ, बस अब जूता पहनना है, क्योंकि मेरे जो जूते थे वो वाले नीने वाले वो मेरे भीग गए, क्योंकि आज बारिश हुई थी और वो बिल्कुल किनारे रखे हुए थे तो भीग गए। तो मैं दूसरे जूते पहनूंगा, देखता हूँ दूसरे जूते कौन से जूते हैं, तो मैं अपने जूते ढूंढ लूँ तो देखता हूँ गाइस। तो मैंने ये बैग भी ले लिया क्योंकि इसमें लैपटॉप है गाइस, तो मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें एप्पल का लैपटॉप है। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे बर्थडे, जो मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तो उसके लिए गाने उने बजाने के लिए रहेगा। तो चलते हैं गाइस, पहले जूते ढूंढ लेता हूँ, फिर आप लोगों से बातें करते हैं गाइस। तो गाइस मैंने जूते पहन लिए हैं, लेकिन वो मुझे नए वाले जूते, कोई जो दूसरे जूते थे वो मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ रखे गई अलमारी में। तो मैंने वही वाले भी पहन लिए, लेकिन हल्के हल्के भीग गए हैं, तो कोई नहीं सूख जाएंगे। तो गाइस जा रहे हैं, अब दिखाते हैं अब आपको। तो गाइस अब जा रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है, अब बस से जाऊँगा। तो बस पकड़ेंगे, पहले मुझे सैटेलाइट जाना पड़ेगा गाइस, और काफ़ी रात हो जाएगी। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कब पहुँचते हैं, बच जाएगा 10-12, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बस कितने देर में मिले तो बस मिल जाएगी, तो फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो गाइस मैं आज घर पे पहुंच गया हूँ। वैसे पहुंच तो कल ही गया था, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बीच में मेरा मोबाइल की बैटरी बहुत ही कम बची थी और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि 13% बैटरी थी और मुझे लगभग 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचना था। बरेली से यहाँ आने लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है मेरा घर। तो मोबाइल की बैटरी खत्म होने की वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे कॉल भी करनी थी क्योंकि रात का वक्त था। तो कल बहुत बुरी तरह पॉपट हुआ है मेरे साथ, कहते ही बिल्कुल, क्योंकि मैं देख 5 बजे अपने वर्कशॉप से निकला पंच करके बायोमेट्रिक, उसके बाद मैं सीधे सैटेलाइट गया। सैटेलाइट तो सैटेलाइट पहुंचने के बाद मुझे वहां बस खटीमा वाली मिली ही नहीं, क्योंकि एक बस थी वो बिल्कुल भर के जा रही थी। थोड़ी देर पहले जैसे पहुंचा उसी समय वो टनकपुर वाली बस निकल गई थी और मुझे बस नहीं मिल पाई। उसके बाद 2 बस थी, वो पीलीभीत की थी, 2 बस, दोनों लूनी डिपो, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा था। तो 2 बस थी, वो पीलीभीत की थी। तो मैंने सोचा पीलीभीत तक बैठ जाता हूँ। तो मैं पीलीभीत तक मतलब बस के इंतजार करते करते मुझे 5:40 हो गया था, 5:40 बाद वहां से बस चली है और वो मुझे पीलीभीत 7:10 में पहुंचाई, 7:10 में। तो 7:10 में मैं जब पीलीभीत में उतरा तो मैं फिर बस का इंतजार करने लगा, लेकिन वहां फिर बस नहीं मिली मुझे। फिर मैंने वहीं पे चौराहे पे खड़ा था, तो मुझे कोई इको होती है, वो इको में बैठना पड़ा क्योंकि इको आई। मैंने फिर सोचा उससे पूछ लेता हूँ, फिर मैं उसी को पूछा और फिर मैं इको में बैठ गया। तो हम वहाँ से निकले होंगे लगभग 7:20 या 7:25 के आसपास हम वहाँ से निकल गए थे पीलीभीत से। तो फिर वो मझोला, फिर वो इको सिर्फ मझोला तक मिली। 7:20 से वहाँ से निकला मैं पीलीभीत से। उसके बाद 8:10 के आसपास, ये सोच लो 8:10 के आसपास मझोला में पहुंचा वहां पे। फिर मझोला से फिर खाटी में आना था, फिर वहां मुझे कोई बस तो थी नहीं, क्योंकि वो रूट तो एक ही है ना, वो बस आने का रूट तो एक ही, एक भी बस नहीं निकली वहां से, तो बस तो थी नहीं। फिर मैंने वहां पे बात किया, तो वहां तो 8:30 लगभग पूछते पूछते 8:30 के आसपास टाइम हो चुका था और मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। लेकिन वहां पे बंदे खड़े थे, लेडीज भी थी, लगभग 6-7 आदमी थे जो खटीमा आना आना चाह रहे थे। तो वहां पे एक ऑटो वाला आया, तो वो मझोले का ऑटो वाला था, तो वो कह रहा है भैया जब 10-12 हो जाएंगे तब मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा तेल निकलेगा नहीं, मुझे क्योंकि वापिस आना है और मझोला से यहाँ आने का लगभग होगा 35 किलोमीटर तो होगा। तो कह रहा है मुझे वापिस भी आना है, नहीं मझोला 35 किलोमीटर नहीं होगा, मझोला होगा लगभग 20 के आसपास होगा। तो वो कह रहा वापिस आऊंगा तो मेरा तो तेल का खर्चा ही नहीं निकलेगा। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर में देखा, लगभग 5 मिनट बाद खटीमा से एक ऑटो गया था मझोला की और कुछ सवारी लेके, तो फिर वो मिल गया। फिर हम उस फिर वो उसे बैग भी खटीमा आना था, तो हम फिर उसमें बैठ गए, बस आ गए लगभग। तो 9 बजे के बाद ही हम खटीमा पहुंच गए। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और फिर उसके बाद
स्कूटी में बैठ के थोड़ा हमने मिठाई उठाई ली और वो केक भी ऑर्डर करना था, फिर मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया और फिर हम आ गए। तो ये सोच लो 9:30 बजे तक, 9:45 बजे तक मैं घर पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैंने मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया, क्योंकि बैटरी तो थी बहुत कम बची थी, लगभग 6% बची थी फिर भी बैटरी कराने तक, क्योंकि कॉल भी बार बार आ रही थी तो 6% बची थी। फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि काफ़ी खड़े खड़े थक गए थे। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं और आज का ब्लॉग शुरू करेंगे। तो ये ब्लॉग कल का है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आज का ब्लॉग नया ब्लॉग बनाते हैं। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो गाइज आज मेरी बेटी का तो बर्थडे है ही, आज बारिश भी हो रही है बाहर। मैं सोच रहा था टेंट वोट लग जाता लेकिन टेंट वोट अब क्या लगाएं, बारिश हो रही है तगड़ी। तो आज तो बर्थडे जो बर्थडे है वो ऐसे ही हो पाएगा, मतलब सब पोपट हो जाएगा। तो घर के अंदर करेंगे, अब देखते हैं, मेहमान भी वैसे ज़्यादा नहीं बुलाया, फिर भी 100 के आसपास तो हो ही जाएंगे सारे मिला के। तो देखते हैं गाइज, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आपको मिलेगा।